गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास। आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 33 पे फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ए, वाटर लिली इज अ, वाटर लिली कैसा प्लांट है? फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, अंडर वाटर प्लांट, नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर क्या है? फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। ये जो वाटर लिली है ये जड़ों से पानी में फिक्स होता है और ऊपर के जो लीव्स हैं वो फ्लोट करेंगी, वो तैरेंगी पानी में, ठीक है? तो वाटर लिली इज अ फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। बी, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस, ठीक है? तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। सेप्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो डेड पार्ट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स के डेड हिस्से को, मरे हुए हिस्से को खाएंगे उनको सेप्रोफाइट प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़ों को खाएंगे, तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। सी, मनी प्लांट हैज स्ट्रॉन्ग स्टेम, लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रीम नहीं आएगा, स्टेम, ये ए हटा दो यहाँ से भी ए, ये स्ट्रीम नहीं है, स्टेम वर्ड है यहाँ पर, ठीक है? तो जो मनी प्लांट है उसकी स्टेम कैसी होती है? मनी प्लांट का जो तना है वो कैसा होता है? आपने देखा होगा बहुत वीक होता है तना, बहुत हल्का सा तना इसका होता है मनी प्लांट का। तो इसमें सही आंसर क्या है? मनी प्लांट हैज स्ट्रॉन्ग स्टेम, वीक स्टेम, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेम, नन ऑफ दीज। तो इसमें आप टिक करेंगे वीक स्टेम में, जो मनी प्लांट है उसका तना बहुत हल्का और कमजोर होता है। डी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट। फ्लावर है या लीफ मींस पत्ता, रूट जड़े, स्टेम यानी तना। तो कौन सा पार्ट हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं? फ्लावर, ठीक है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि फ्लावर से फ्रूट बनेगा और फ्रूट में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, और सीड से नया प्लांट रिप्रोड्यूस होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस जिससे हमें नया प्लांट मिलता है। तो इसमें आप फ्लावर पे टिक करेंगे। जी, गम इज ऑब्टेंड फ्रॉम, इसमें आप किस पे टिक करेंगे? अकेशिया पे। ये एक प्लांट का नाम है जिससे हमें गम मिलता है। गम जो हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो अकेशिया प्लांट से हमें मिलता है। इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। टी, प्लांट्स ग्रो इन डैश एरिया, जो चाय के बागान है वो कहाँ ग्रो किए जाते हैं? हिली एरियाज में। आप असम की साइड जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टी प्लांट्स आपको मिलेंगे। तो ये कैसा है? हिली एरियाज, HILLY। टाइनी ओपनिंग इन लीव्स इज कॉल्ड, जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? स्टोमेटा। टाइनी ओपनिंग्स इन दी लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। सी, रूट एब्जॉर्ब्स, यहाँ पे ए है, ए लिखेंगे, रूट एब्जॉर्ब्स डैश एंड डैश फ्रॉम सॉइल। जो एक प्लांट होता है उसकी जो जड़ें हैं वो सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करेंगी, सॉइल से क्या लेंगी? तो जो पेड़ की या प्लांट की जड़ें होती हैं उसको सॉइल से एक तो वाटर मिलेगा, वाटर लिखेंगे, और मिनरल्स आप लिखेंगे, मिनरल्स यानी पोषक तत्व, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। डी, पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ, पल्सेस यानी दालें, दालें में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? प्रोटीन, पल्सेस आर दी रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ देखो, फ्रूट्स हैव डैश एंड डैश, आप लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स में क्या होता है? एक तो विटामिन होता है फ्रूट में, विटामिन ए बी सी, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, और क्या होते हैं इसमें? फ्रूट में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फ्रूट्स हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 अपनी बुक में कंप्लीट करना है, पेज नंबर 33, ठीक है? इसमें ए का सही आंसर क्या है? ए में आप फिक्स फ्लोटिंग प्लांट में टिक करेंगे, बी में इंसेक्टिवोरस पे टिक करना है, सी वीक स्टेम, डी में आपको फ्लावर पे टिक करना है, ई में आप अकेशिया पे टिक करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में ए में आप लिखेंगे हिली, बी में स्टोमेटा,
सी वाटर एंड मिनरल्स, डी पल्सेस यानी दालों में से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ई फ्रूट से हमें क्या मिलता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व मिलते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है।